सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि आप लोगों के जो है 1100 से भी ज़्यादा कमेंट हैं और इसमें जो है इतने सारे आप लोगों ने डाउट्स क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो है इतने सारे कमेंट्स को अगर मैं इंडिविजुअली आंसर देने बैठूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। और वैसे भी मैं मेजोरिटी ऑफ लोगों के आंसर्स देता हूँ, जो मतलब कमेंट्स आपके एकदम रिलायबल होते हैं उस हिसाब से। तो गाइस इसके अंदर जो आपने मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, मैं उन सभी के आपको आंसर देने की ट्राई करूंगा। तो गाइस ये जितने भी डाउट्स हैं आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर है, इंजीनियरिंग के एडमिशन को लेकर है, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा उसको लेकर है। तो जो सबसे ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछा है वो है FISY, जितने भी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो ये पूछते हैं कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा FISY TY का। तो गाइस आप लोगों का जो रिज़ल्ट है अस पर जो UGC की गाइडलाइन से उस हिसाब से जो है ये महीने की जो है 15 तारीख को जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि 15 जुलाई को जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए अस पर UGC गाइडलाइंस। तो अब जो है देखते हैं 15 जुलाई को होता है या 20 जुलाई के अंदर, जो भी होगा तो जब ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा आपको 22Tech के ऊपर जो उसका सबसे पहले अपडेट देखने मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आप सब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपके हिसाब से क्या लगता है कि भाई एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यह आती है कि 99% जो है मुझे भी यही लगता है एग्ज़ाम नहीं होगी। और जो ये सब कुछ चल रहा है सिर्फ पॉलिटिकल चल रहा है, जो कि एक फालतू का ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इवन IIT की एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुकी हैं तो इन्हें महाराष्ट्र में और बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल करने में इनका क्या जाता है। और वैसे भी जो है पुणे, पिंपरी, चिंचोड़, अगर आप यहाँ पर रहते हो तो यहाँ पर तो जो है और 15 डेज का जो है लॉकडाउन लगा दिया है, यानी कि जो है मंडे से जो है फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पुणे में रहते हो तो आपको ये अपडेट पता ही होगा। तो जो है 99% जो एग्ज़ाम नहीं होगी। अब बाकी जो है UGC कुछ भी कहे, हाँ ये बात सही है कि भाई UGC जो है जो गाइडलाइंस देती है उसको जो है सारे यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर UGC कहती है एग्ज़ाम कंडक्ट करो, लेकिन आप लोगों को ये भी बता दो कि भाई जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर्स होते हैं, वो ऐसे नहीं है कि भाई UGC ने कह दिया तो करो, वो भी जो है डिसीजन ले सकती है, उसके पास भी उतने राइट्स हैं। अब जो है इन सब चीज़ के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें जो है राहुल गांधी भी आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूँ। अब जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस, BJP और भी जो अदर पॉलिटिक्स पार्टी है वो सब कुछ चल रही है, जबकि इसके ऊपर जो है बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के लाइफ का मैटर है। प्लस यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है इस टाइम तक तो जो है उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाना चाहिए था। बाकी जो आगे का जो प्रोसेस है वो है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके गेट की प्रिपरेशन करेंगे, गेट एग्ज़ाम देंगे या MTech में एडमिशन लेंगे, जो भी हो, तो उन सबका जो है वो सब प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। तो वैसे ही जो शेड्यूल है, जो उसका टाइमलाइन होना चाहिए, तो बहुत उससे पीछे जा चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा और 1-2 महीने तो जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है अगर कोई डिसीजन ना लिया जाए तो स्टूडेंट्स के जो ईयर है वो जो है वेस्ट हो सकता है यहाँ पर। तो जो भी कुछ डिसीजन लेना है ये 10-5 दिन के अंदर जो है ले लुआ के ख़त्म करना चाहिए और स्टूडेंट्स को जो है फाइनली बता दो भाई एग्ज़ाम लेनी है तो फटाफट जो है एक मोड ऑफ एग्ज़ाम बताओ कि इस वे से लेनी और एग्ज़ाम नहीं लेनी है। तो फटाफट जो है उन्हें ये बता दो कि भाई एग्ज़ाम नहीं लेनी है, उनका जो भी वे में रिजल्ट आपको डिक्लेयर करना है, चाहे प्रीवियस सेमेस्टर का लो, एग्रीगेट निकालो या ऑनलाइन से जैसे भी करना है, वो फटाफट करके जो है डिसीजन जो है लेकर स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए और उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना है। तो ये जो है गवर्नमेंट का मेन एम होना चाहिए। UGC जो ये कहती है, जो एग्जांपल देती है कि भाई दारू की बोतल, दारू का अड्डा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। वो स्टूडेंट्स को कहाँ दारू की इसको जो है कंपेयर कर रही है। UGC ये भूल चुकी है कि वहाँ से जो है लार्ज अमाउंट में जो है GST उसके ऊपर जो है उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ से जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जो है दारू का धंधा नहीं होता, यहाँ पे ज्ञान स्टूडेंट्स को दिया जाता है। सो गाइस अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर इंजीनियरिंग के जो एडमिशन्स होंगे तो वहाँ पर इस बार जो है कंपटीशन कैसा होगा, हम लोगों को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सीट्स कितनी होंगी, क्या होगी एडमिशन प्रोसेस। तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि भाई जो इंजीनियरिंग का एडमिशन होता है डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग में, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो जो एडमिशन होता है वो जो है महाराष्ट्र में CET सेल के थ्रू जो है, यानी कि कैप के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलता है। कैप यानी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पर जो है आपके जो भी आपके डिप्लोमा में जो भी आपको परसेंटेज मिलते हैं एग्रीगेट निकाला जाता है 5th-6th सेमेस्टर का, और उस बेसिस के ऊपर जो है आपको एडमिशन मिलता है। और
एडमिशन की प्रोसेस की बात कहूँ तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जो है पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो हमारी साइट के ऊपर, हमने डाला है स्टेप बाय स्टेप। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये बता दूँ कि भाई जो एडमिशन है वो आपका जो है स्टार्ट होगा अराउंड नियर बाय सेप्टेम्बर के आसपास, उससे पहले वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसके सारे अपडेट जो आपको टू टू टेक के ऊपर जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, कैसा एडमिशन फॉर्म फिल करना है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि भाई हम लोगों को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइज़ आप लोग जो है एक चीज़ समझ कर चलो भाई, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सबको जो है अपने अपने लेवल के ऊपर जो है कॉलेजेस मिल जाएंगी। मैं इतना डेफिनेटली आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एडमिशन का फॉर्म भरने से पहले, ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले, आप सारे जो कॉलेजेस आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो उनका एक बार कट ऑफ लिस्ट ज़रूर देख लेना। कट ऑफ लिस्ट के अंदर बता होता है कि भाई पिछले साल जो है इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो है इस कास्ट को जो है या इस कैटेगरी के लिए जो है इतने परसेंटेज मिनिमम रिक्वायर्ड होने चाहिए थे। तो इस बार जो है आप मान कर चलो या तो वो दो तीन कम हो जाएंगे या तो दो तीन बढ़ चुके होंगे। तो वो जो है उस करंट सिनेरियो पे हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन होगी। ये सब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट से पूछते हैं, और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारा बैकलॉग का है तो हमारे पेपर्स होंगे नहीं होंगे, हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर जो है हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता है। तो गाइस आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई भी सब्जेक्ट बैकलॉग है जिसका 80 KT है, तो आप लोगों के लिए जो है मैं बता देता हूँ कि भाई जो है रिसेंटली जो है वीडियो डाली थी जिसके अंदर जो है एक फार्मूला के बारे में बताया गया था कि भाई जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों की जो है एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट की जाएगी, आपको उस पेपर की एग्ज़ाम नहीं देनी है, और आप लोगों को जो है उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपको कैलकुलेट करके जो भी आपका मार्क्स बनता है आपको वो दे दिया जाएगा। तो गाइस स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है 99% कि भाई फाइनल ईयर की रेगुलर की भी एग्ज़ाम नहीं होगी, 80 KT की भी एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि मुंबई पुणे में जो है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे कोई भी हालत में जो है एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट की जा सकती। दो UGC ने जो है अपने जो है एक दो दिन पहले वापस से जो है रिवाइज गाइडलाइंस दिए थे जिसमें वो बताती है कि भाई स्कूल को सैनिटाइज कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो, लेकिन गाइस ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट्स की संख्या कोई 1-2 हज़ार नहीं है, लैक्स के अंदर है, 8 लैक्स प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर स्टूडेंट के पास उतना पावरफुल इंटरनेट नहीं होता, और हमारे यहाँ पे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करो फिर अगर आप गांव में जाते हो तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी की गारंटी नहीं होती, इंटरनेट तो बाद में आता है, तो एग्ज़ाम नहीं होगी, आप लोग यही मानकर चलो। और जहाँ तक अपडेट्स की बात है तो ये जो है जल्दी से जल्दी ये सिलसिला ख़त्म होगा, लेकिन बैकलॉग की जो एग्ज़ाम्स के लिए मैं यही जानता हूँ और जितना मुझे अब तक पता है वो यही है कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम नहीं देनी होगी, आप लोगों को जो प्रीवियस में एक वीडियो में फार्मूला बताया था उसी फार्मूला के बेसिस के ऊपर जो है आपको मार्क्स दिया जाएगा, आपको पास किया जाएगा। तो गाइस आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे फाइनल ईयर एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो UGC की जो गाइडलाइंस आई थी तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि भाई अगस्त के अंदर जो है फर्स्ट वीक में जो है, या आप कह सकते हो कि भाई 15 अगस्त तक जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो गाइस अब इसमें जो है बहुत बड़ा डाउट और क्वेश्चन मार्क आ चुका है, क्योंकि अगर अभी ये डिसीजन ले लेते हैं इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक तक की एग्ज़ाम नहीं लेनी है तो अगस्त तक आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, तब तक जो है उतने टाइम के अंदर जो है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये जुलाई के एंड तक इसी चीज़ को चलाते रहेंगे कि भाई लेना है नहीं लेना है, तो अगस्त के अंदर भी जो है फिर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, फिर वो आप देख लो 20 अगस्त 30 अगस्त के आसपास जाएगा, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त में ही डिक्लेयर होगा और सितंबर में ही जो है आगे की जो भी इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि अब उससे ज़्यादा अगर लेट हुआ तो फिर जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ जाती है कि स्टूडेंट्स के ईयर जो है वेस्ट हो सकता है। तो गाइस ये जो है आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जिसको मैंने आंसर देने की ट्राई की, होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, हमारा जो गोल अचीव करना है 50,000 सब्सक्राइबर्स का तो उसको भी अचीव करने में हेल्प कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।